जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि धन प्राप्ति या माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करने से जीवन में सभी चीज़ें सकारात्मक होगी, उन उपायों को करने के बाद माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी, और अभी जो ग्रहण आ रहा है इस ग्रहण के दौरान भी कुछ लक्ष्मी माँ की कृपा के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें करने के बाद हमें बहुत सी चीज़ें फ़ायदा पहुंचा सकती है। 10 मिनट का वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी किसी उपाय की बात नहीं करेंगे और न ही किसी उपाय के बारे में आप सोचेंगे, सिर्फ इन्हीं उपायों को बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और चीज़ों को समझें, बीच में छोड़ कर न जाएं, नहीं तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी और आप कितने भी यत्न कर लें माँ लक्ष्मी की कृपा पर नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले को निवेदन है कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई भी परेशानी हो, शिक्षा, नौकरी, प्यार, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, मुझे वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। शुल्क लागू है दोस्तों, शुल्क बिल्कुल नॉमिनल है और कोई उसमें बड़ी पूजा विधान नहीं आपको बताया जाएगा। सामान्य चीज़ों से डील आपके साथ की जाएगी, सामान्य चीज़ों से जो भी परेशानी उससे बाहर आपको निकाला जाएगा। तो देखिए, माँ लक्ष्मी की जो कृपा है हम उस पर आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी आपको बैक टू बैक पता लगेगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे और जो चीज़ें हम सामान्य जीवन में जीते हैं उन चीज़ों को पहले ठीक करना ज़रूरी है, फिर हम पूरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर आपके घर में जो भी अनुपयोगी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बाहर करना है हमें। सबसे पहले जो उपयोगी चीज़ें उन्हें रखें, जो अनुपयोगी चीज़ें उन्हें बाहर रखें। घर में स्वच्छता, साफ सफाई, इनका विशेष ध्यान दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो स्वच्छता, साफ सफाई, इसी जगह पर बरकत होती है। और इसका साधारण सा उपाय है, हम जब दीपावली आते हैं जैसे घर की सफाई रखते हैं, उसी तरह से हम रंग रोगन ये तो नहीं है रोज कर सकते, लेकिन सफाई तो हम रोज रख सकते हैं। तो पहला मुख्य चीज है जो आपको सही करना है आपके घर में, साफ सफाई, स्वच्छता आपको घर में रखना है। आपका घर जैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पक्का मकान हो, कच्चा मकान, जैसा भी हो वो बहुत अच्छा है, बस उसमें सिर्फ साफ सफाई और पहली चीज है जो भी अनुपयोगी चीजें उन्हें घर से बाहर करना, ये पहली बेसिक चीज है। इसमें दूसरी बात, यहां पर ये भी समझ ले कि हमें खुद को स्वच्छता रखना है, रोज स्नान ध्यान करना है रेगुलरली, और घर में रोज दीपक लगाना है। ये दोस्तों बेसिक से शुरू होगा। आप सोचें कि डायरेक्टली कुछ ऐसा बताए कि हमारे पास धन का आगमन हो जाए, ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी होता भी नहीं है और होगा भी नहीं, चाहे आपको कोई कुछ भी बता ले, आपसे कितने भी पैसे हट के ये चीजें करा ले। जो सच है मैं उसी बात को फोकस आपको करा रहा हूँ। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, तो आपको इसके सकारात्मक जो परिणाम दिखाई देने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने बेसिक जो चीज़ें उनको क्लियर करी। अब यहाँ पर बात करना चाहते हैं, थोड़ा दूसरे स्टेज पे आते हैं, वो होता है कि महिलाओं की इज्जत। दोस्तों, महिलाओं की इज्जत में बरकत है और महिलाओं को सम्मान देना, इसमें मैं महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पुरुषों को ये बात कह रहा हूँ, ये महिलाओं पर भी लागू होती है। महिलाओं की इज्जत करने से, क्योंकि महिलाएं, स्त्रियाँ जो हैं वो माँ का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है और इस धरती पर जागृत एक सत्ता है वो, इसलिए अपने घर के माता पिता, इनका तो माता, भाई बहन, मामा मौसी, जो परिवार में महिलाएँ हैं हमारी, उनका तो हम बहुत इज्जत करते ही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हम जैसा भाव इनके प्रति रखते हैं वैसा ही भाव हर महिला के प्रति रखें, बहुत ज़्यादा सकारात्मक और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखें, ये मामूली बात नहीं है, आप चाहे कितना भी यत्न कर ले, लेकिन जब तक इन बेसिक चीज़ों को सही नहीं करेंगे तब तक आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाई नहीं देगा। तीसरी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माता पिता की इज्जत और माता पिता का पूर्ण ख्याल, ये बरकत के सभी वो विषय है। और आप एनालिसिस कर लीजिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ और ये कोई सामान्य बातें नहीं बता रहा हूँ, इसे बहुत गंभीरता से ले और इन पर आप काम करें, इन चीज़ों को बिल्कुल काम
करना ही है। तो माता पिता की बहुत इज्जत करें, बहुत सम्मान करें, करते हैं ये हमारी पद्धति, लेकिन आज के इस दौर में बहुत से लोग ये नहीं करते हैं। 90% लोग करते हैं, लेकिन अभी 10% ऐसे लोग हैं जो अपने गार्जियन, जो माता पिता जिनके नहीं हैं, उनके जो भी गार्जियन हैं जिन्होंने उन्हें पाला पोसा अच्छा रखा, लेकिन वो उनके प्रति बिल्कुल रूट और एक अलग व्यवहार रखते हैं, तो ये सही नहीं है। और इससे भी बरकत और माँ लक्ष्मी की कृपा उन घरों पर कभी नहीं होती है। और सिर्फ दिखावटी तौर पर यदि लक्ष्मी दिखती है तो वो अशुभ लक्ष्मी होती है, जो साथ में कुछ ही दिनों में सब कुछ तबाह कर देती है और व्यक्ति को ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देती है जहाँ से वो न संभल पाता है, न पीछे आगे कहीं नहीं जा सकता है, पूरा रोक के रख देती है। अब बात करते हैं कि सिचुएशनें होती है, पैसे बहुत आते हैं लेकिन रुकते नहीं, पैसे आते हैं लेकिन कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसे चले जाते हैं कि जो समझ भी नहीं आता है। तो दूसरी बात है कि लक्ष्मी के ठहराव के लिए, अगर आप लक्ष्मी को ठहराव के लिए रोकना चाहते हैं, या आपके पास क्या आप चाहें कि धन रहे, सुरक्षित रहे, संचित रहे, तो जो कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत, हमेशा कुछ प्रतिशत इस तरह से कि उसे भूल जाए, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति होती है और लक्ष्मी की स्वभाव होता है कि वो आएगी, पानी को आप रोक नहीं सकते, वो बहाव है, बहता रहेगा, वैसे ही लक्ष्मी का बहाव है, उसको स्टॉक करने के लिए कुछ प्रतिशत, 2%, 5%, जिसे आप भूल जाए अपने बैंक खाते में या अपने ऐसा सेविंग FD करा के भूल जाए कि वो मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको गिनता भी नहीं हूँ, ये प्रवृत्ति अगर आप लाएंगे तभी आपके साथ लक्ष्मी का रुकाव धीरे 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 होने लगेगा और वो आपके खराब पलों में वो पैसे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। आप ये सोचें कि इस तरह से हो पाए कि लक्ष्मी आए लेकिन रुके, ये चीज़ें कभी नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि 100 रुपये से क्या होता है, 100 रुपये अलग रखने से क्या होता है, लेकिन जब 100 रुपये 12 महीने तक रखे जाते हैं तो 1200 रुपये हो जाते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसलिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जब छोटे छोटे पैसे आप अगर अलग से बचा के रखते हैं, वही रुकाव है और वही सबसे सही उपचार भी है। आप इसके लिए सोचें कि कुछ और चीज़ हो सके कि मैं रुक जाऊँ या ये चीज़ें हो जाऊँ, ये सभी चीज़ें गलत है दोस्तों, और ये सही भी नहीं है। और लक्ष्मी को जो रोकना है बहुत टफ काम है, क्योंकि ये आधुनिक दौर है और कलयुगी दौर है और ये लक्ष्मी का दौर है, तो वो बहाव जो उसका वो 2 गुना है, यहाँ पहले 1 गुना भी नहीं, अभी तो 2 गुना और 100 गुना हो गया है। तो इस टेक्निकल चीज़ों को आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको समझना है। आप भगवान के प्रति पूर्ण आस्थावादी रहें, दूसरा उपाय ये भी जाने पूर्व मंदिर जाए, दर्शन करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना माँ लक्ष्मी की कृपा होना संभव नहीं है। तीसरी बात है कि जब भी लक्ष्मी माँ की कृपा हो, आपके पास धन हो, उसे शुभ कार्यों में लगाएं, ना कि कुछ गलत कार्यों में। अब वो गलत काम कौन से हो गए, बहुत से लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बहुत से लोग वेश्यावृत्ति में खर्च कर देते हैं, बहुत से लोगों को न जाने ऐसे ऐसे शौक होते हैं कि जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी शुभ आई लेकिन आपने उसको अशुभ कामों में यदि खर्च किया तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है उन चीज़ों को भोगती है, और 7 पीढ़ियाँ भोगने से सीधा सा अर्थ ये है कि हम अगर कुछ करेंगे नहीं, सही तरीके से उसको मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे वाली जो आने वाली संतानें हैं वो उस बेस पर बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन हम यदि अभी खर्च करके सभी रूप से बर्बाद हो जाएंगे तो कुछ हो पाना मुश्किल है। तो कोशिश ये करें कि इस तरफ कभी जाने का प्रयास करना ही नहीं, हमें जितना हो सके उतना धन बचाएं, शुभ कार्यों में लगाएं, और खासकर व्यसनों से दूर रहें। व्यसन जो है वो लक्ष्मी को निकालने का सबसे अच्छा उपाय है। आदमी को व्यसन में लग गया तो ऑटोमेटिकली वो सब धन खर्च करना शुरू, जमीन जायदाद मकान, व्यसन से बिल्कुल दूर रहें। कर्ज जो है जितना हो सके जीवन उतने में चलाए, बेफिजूल कर्ज लेकर चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको वंचित रखेगी। दूसरी तीसरी चौथी बात है कि लापरवाही, हम चीज़ों में लापरवाही रखते हैं, लापरवाही से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें। लापरवाही किसी भी चीज़ में आपके लिए ख़राब हो सकती है, वो बहुत विस्तृत क्षेत्र है लापरवाही का। गाड़ी का बीमा नहीं कराया, आपने खुद का बीमा नहीं कराना, गाड़ी स्पीड से भगाना, या सही समय पर सही चीज़ें जो दिख रही है वो उनको नहीं कर पाना, स्वास्थ्य के प्रति लेजी रहना, ये लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसलिए लापरवाही, क्योंकि हमारे पास सीधी सी बात है, हम यहाँ पर सर्वाइव करने वाले लोग हैं, हमारे पास ना कोई पैतृक संपत्ति धन है, सामान्य स्थिति के लोग हैं, हमारे साथ जो परेशानियाँ होती है, जो सभी के साथ होती है, स्वास्थ्य खराब होना, तकलीफें आना, परेशानियाँ आना, हम इनमें धन बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से, और इस वजह से हम आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, हमें कर्ज लेना पड़ता है,
और कई सारी परेशानियां हमें झेलना पड़ती है। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। एक और बात है, ईश्वर का जप वो हमेशा करते रहे, वो सबका रखवाला है और हमेशा सही रास्ते आपको दिखाता रहे। तो उसका जप, ईश्वर का, आप जो भी गुरुदेव हैं, आपके इष्ट देव हैं या नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहे, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट्स में राय रखें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी राय खुल के लिखें। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द लूँगा और विस्तृत। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।